हाथी बुढ़ी कर दली गोली में हाथी बुढ़िया करता हाँ सुधा अलमारी हाँ आपने देखे बढ़ता मतलब तो आप पहली आई इस गांव में तो इतना बड़ा नोरा और भी था गांव में कोई नहीं था नहीं था नहीं था यूए था सबसे बड़ा हाँ यूए था सबसे बड़ा नो अच्छा का सिर नहीं झुका उसके ऊपर बैठा बैठा अंदर चले आवे इसलिए होता है उन्हीं का नो अंदर लिया करते हाँ सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम। और आज पहुंच रहे हैं जींद के अमरगढ़ गांव में। और आज आपने अपनी धरोहर है जो पुरानी पुरानी वे होया करती दरवाजे होया करते तो गांव बसण तभी पहले का दरवाजा दिखावेंगे आपने। इतना बड़ा दरवाजा है ईब तो कितने कितने अंदर तो खंडर हो गया है लेकिन तावर पर सारी चीज पूछेंगे। आप देखने भी लाग रहे हो कि कितना बड़ा दरवाजा है। आज के समय में इतने बड़े दरवाजे देखने नहीं मिलते हैं। यह हमारी धरोहर है लेकिन बाहर तो आपने सही दिखा है लेकिन अंदर जाकर देखेंगे तो बिल्कुल खंडर हो रहा है। लेकिन फिर भी आपने एक एक चीज इसकी दिखावेंगे और बताया जा रहा है जैसे ताऊ अड़ बैठे हैं आपने दिखते भी होंगे वे ताऊ अड़ बैठे हो ताऊ खड़ा है तो मतलब जो पटियाला राजा होया करता तो उसके नक्शे पर यो दरवाजा बनाया गया था नूकानु जो उसका नक्शा है। तो ताऊ पर पूछेंगे राम राम ताऊ राम राम क्या नाम है ताऊ दूप सिंह दूप सिंह उम्र कितनी को होगी ताऊ 75 साल 75 साल है तो यो कद बनाया गया था दरवाजा यो बहुत पुराना बनाया है जी। अच्छा ताऊ और नुगते गांव बसन था पहले का ये है पहले का है किसने बनाया था वो सेठ ने बनाया था सेठ बढ़िया हां बढ़िया पहले गांव में बढ़िया रहा हां बढ़िया गांव में ये तो गांव में बढ़िया कौन रहे बस एक रह रहे और तो सबको दिल्ली जा रहे को कहां दिल्ली जा रहे एक रह रहे एक रह रहा हां अच्छा यो किसकी तरफ पर बनाया गया था ये पटियाला का नक्शा पटियाला का। अच्छा अच्छा तो साथ के साथ में देखते रहोगे बताते रहोगे तो एक बार आप देख लो मतलब यो जो है ना पुरानी लकड़ी कती देखो वो हो रही खराब हो रही है ये उस टाइम कानू कानू और ये आप चोंच देखोगे ना ये सारी पीतल की है लेकिन इन पर पेंट करवा दिया गया। बाहर तो न्यू कानू दिखा लेकिन अंदर तक खंडर है। एक चीज और दिखा दू बीच में कनाली लगाया करते पहले तो बीच में कनाली लगा रखी है और उधर आप नजर मारोगे तो छोटी ईंट आपने नजर आवेगी और उसके बराबर में फिर बड़ी ईट है क्योंकि ताऊ का कहना है कि जब बाढ़ आई थी 95 में तो ये 3 मंजिला था और पड़ गया था ताऊ हाँ था क्या था ताऊ 3 मंजिला पानी आ गया दीवरे अच्छा दीवरे ढह पड़ा पूरे गांव में पानी आ गया था हाँ इतने ना पड़ी हो गया था। अच्छा बाद में किसने बनवाया गांव ने बनाया नहीं बड़ी ने करवा था दी बल्ले रब की बड़ी होगा था मारा ना वो करवाएगी थी बदल गई थी अच्छा ये किसका था वो इनका डर हुआ है को तो दरवाना रहे को पुलना रहे कई अच्छा। खेरे को चंडीगढ़ रहे कट्ठा है कई हाँ अच्छा तो उन्हें बताओ देखो ईब भी अगर की बात करें तो ये मतलब गाल के बराबर पड़ा है तो मतलब पहले तो ये खूब ऊंचे पे होगा हाँ इतना ऊंचा था हाँ। अच्छा मतलब ईब बाद में नीचे पा गया है हाँ। वो मतलब देखो कितने सारे तो इसमें यो काट तो पुराना होगा तो काट सब पुराना है इसकी तो कोई नियाद भी ना होगी ना तो भाई ये काट पुराना है और आप देखोगे कि कितना बड़ा दरवाजा इसमें कील तो देखोगे कितनी कील ठोक रखी है कितनी बड़ी बड़ी कील है ये तो बनन में भी घने दिन लगे होंगे तो इसमें बहुत टाइम लग गया था ताई राम राम है क्या नाम है ताई अंगूरी उम्र कितनी को होगी ताई उम्र हो रही होगी 60 ऊपर की अच्छा बेटी कौन से गांव की है रिटोली की तो दरवाजा कब तक देखा आपने ये दरवाजा मेरा आने पहला का बने हुआ है अच्छा और जी के नौरा बने था नहीं शुरू में जो रुपये की वा थी इस पे कीमत है अरे ईब तो यू सारा ढह ढूरिया है जब आप आए जब गांव में ब्याह आए आज जो है सुतरा नौरा था बैठा करते बैठा करते मन सवेर लुगाई भी रह कर दी रहे अच्छा बनिया रहा करते बनिया रहा करते तो बनिया को होया करता हाँ बनिया का नौरा है यू जब यो आप वैली आई इस गांव में तो इतना बड़ा नोरा और भी था गांव में कोई नहीं था नहीं था नहीं था यूए था सबसे बड़ा हाँ यूए था सबसे बड़ा अच्छा मतलब गांव में इतने अरियो भी ताऊ न्यू का इतने ऊंचे पे था पहले ना न्यू इतना ऊंचे कौन था ता कितनी डूबी गाल दी पूरा बाहर तड़े कर दे आओ फिर चढ़ जा कर ताऊ है ना तड़े के चले मारे कर ना 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 ऊंचा था आज भी गाल के बराबर है सह गाल तो ऊंचा सुतरा है बहन जी ताई मतलब मेरा की है यो ई बीवी गाल के बराबर है हां ई बीवी गाल न्यू देख लो गाल कितनी ऊंट गई होगी लोगों ने घर बना लिए भर्ती करी गई है तो उस टाइम पे तो इतना तो रहा होगा यो रहा न्यू तो
तो मतलब आज भी डूंगा नहीं जा रहा बराबर है। है ये देख रिया के घर रुदड़िया के एक समान। और देखो चूल्हा वाले कवाड़ है ये। हाँ चूल है दोनों तरफ में, न्यून भी चूल है और न्यून भी चूल है। चूल वाले कवाड़ होया करते पहले। तो ताई आप पूरे गांव अमरगढ़ में सब बढ़िया नौरा यो था। यो था बनियाला नौरा। बनियाला नौरा बोल रहे हैं। हाँ बनियाला नौरा। अच्छा तो मतलब फिर उड़ जाकर बताती नहीं होगी मारते इतना बड़ा नौरा है। बताए दे क्यों नहीं बताया करते करा जाकर। बताया कर दे सांग तमाशे भी आ रहे हो या कर दे सांग हो या करते आ रहे हो या कर दे तो तरफ बनिया लगे। अच्छा सांग देखे ताई। देखे क्यों नहीं सारी चीज देखी है उधर। तो आड़े सांग भी आया करते ताई ने बताया तो सांग हो या करते। यू बीच में क्या खाते छोड़ा करते बैठने खाते ताई। यू बैठने का था नौरा। चलो 70-60 किलो आराम तो है। क्योंकि देखो सारे ये हैं जो ये भी पीतल की है ये भी पीतल की है ये जो नग लगा रहे सारे पीतल में। ये सारे पीतल में है। अरे तो घने लग रहे हैं गिनती को नहीं लेते। और कितना बड़ा दरवाजा है तो बनाने में भी घना टाइम लग गया होगा। तो भाई एक बार भीतर तो और दिखा दे हैं। अंदर आ जाओ आप अंदर आके बता दो। तीन मंजिला होया अगर तो उसमें पड़ गया मतलब तो पहले सारी सारी डाटा की बनाया करते। ये तो लेंटर लुंटर गेर लगे ये भी डाट होया करती पहले डाटा का सिस्टम था भी और सिस्टम पूरा बड़ा पीछे से ही भी है और चित्रकारी हो रही थी। मतलब आपने आप नजर तो सोधी संभाली है ना 30 साल तो सोधी संभाली तो आपने किस आग देखे आयो। मैंने तो तकरीबन तकरीबन ईसा ही देखा जी। हाँ नहीं तीब तो ज्यादा तो ही वो है बारिश पूरी समय है। पहले तो थोड़ा ठीक था जी। 95 के बाद बाढ़ आया था बहुत जबरदस्त बाढ़ आया था। तकरीबन यहाँ 3.5-4 फुट पानी आ गया था। इसका चुगरदा ज्यादा पानी आ गया तो इस वजह तक गया ये। और पानी भी एक साइड में आया जो अगली साइड वही इसकी भारी थी इसी वजह से यू गिरा है। मकान का चारों ओर पानी आ जाता तो आगे तो इसकी मरम्मत करवा दी मेरे ख्याल तक क्योंकि आगे तो पेंट पेंट हो गया है। मरम्मत तो नहीं है तो एक मंजिला है। अच्छा 3 मंजिला था ये और आगे बहुत बड़ी बढ़िया कारीगरी थी। अच्छा मतलब छोटी 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 ईटा का बनाया हुआ है और चुन्ने में बनाया हुआ है मेरे चुन्ना सब चुन्ना। गांव बसंत पहले गांव बसंत पहले का तो नहीं है बनिया ने बनाया बनिया की पहले जो गांव में गांव से व्यापार होता। आपकी उम्र कितनी होगी सर? मेरी होगी 47 साल होगी। तो मतलब आपने देखा है अपने उस टाइम? हाँ मैं बचपन में जब देखा तब यहाँ एक सेठ रहा करता मोमन। अच्छा तो उसने अच्छी तरह व्यापार करिया और उसका बैलगाड़ी भी होया करती है घोड़ी भी होया करती उसकी तो किसाना के वो जिन से लेकर आया करते। अच्छा बनिया रहा करते बनिया रहा। एक और देखा मैंने तो। अच्छा मेरे से पहले तो काफी बनिया थी इसमें कम 4-5 परिवार ज्यादा हो गया। बड़े मतलब कारीगरी तो बना करते आड़े भी देखो ये बना रखी है इस पे भी छाप रखी है पुरानी की पुरानी ये अंदर तो बंद है मतलब सारी डाटा की होया करती डाट लगा लगा कर 7-8 बेली थी ऐसी। अच्छा हाँ बनिया की थी सारी बनिया की एक ये थी एक इस साइड में थी वो सारी खत्म होली ये खत्म होली वो खत्म एक तो उस साइड में रह रही है या रह रही है कुछ साइड में रह रही है असल में नहीं हुआ वो बाद में बनाया था घड़े वो बाद में बढ़िया वो सब तो पहले आता है सबका पहला वो यूं बने हैं मतलब गांव में सब तो पहले का यो दरवाजा है ले एक ताऊ और आ गया इस ताऊ ने और पूछेंगे ताऊ के बताओगा है ताऊ राम राम ताऊ राम राम ताऊ राम राम के नाम है ताऊ देवा कितनी उम्र होगी ताऊ आपके पैदा होने तो पहले का ही है जो मेरे दादा थे वो बताया करते पहले का ही है। तो भाई देखो तो इसकी है ना जो पैड़ी है वे भी पूरी खत्म हो गई है डैमेज हो गई है जो पहले पैड़ी होया करती नीचे आप देखोगे की फट्टे होया करते फट्टे पर पैड़ी बनाया करती पहले लेंट नहीं होया करते तो फट्टिया पे पैड़ी बनाया करती ये वो बरगे होया करते और आली भी होया करती आली जरूर छोड़या करते क्योंकि पहले बिजली ना होया करती ये देखो पहले बिजली ना होया करती तो दीवार लगान खातर आली पाया करती उरेन भी आली है न्यून भी आली है दीवार कितनी मोटी होया करती आप न्यू देखो
कितनी बार बार दीवार होया करते इनकी, पहले जो घर बनाए जाया करते उन कितनी छोटी छोटी वो आया करते दीवार, तो ये तो बीड़ी बीड़ी बनाने लगी है, देखो कितनी छोटी छोटी दीवार है, तो देखो कितनी छोटी छोटी दीवार बनाया करते। और जो इसके भीतर के हैं ये कवाड़ है, इन पे पीतल के भी हैं टोडे, और ये छोटे छोटे कवाड़ हैं, अलग इली है, मतलब पहले की जो कारीगरी होया करती, जो बनावट होया करती अलग होया करती, तो मतलब ये ऊपर तक खंडर हो रहा है, पड़ सका है गुड़िया नून हो जाए ऊपर तक हो रहा है, या पड़ सका है कटाने भी आवे है। अच्छा पीछे वो ये मंदिर मंदिर है, मतलब है उनका जो भी है जो मान जिनकी मानता है जी, मैं आवे अभी दिल्ली से आया, मतलब जो अमावस हुआ है ना उस पे आते हैं वो। अच्छा हाँ जी, दिल्ली से वो बेसिकली मतलब बम ये बनिए हैं जो पहले गांव में रहा करते लेकिन बाहर चले गए, लेकिन इनका गांव तो है मिट्टी ताज भी लगा हुआ है, आते जाते रहे हैं ये, पिछले थोड़े दिन पहले भंडारा लगाया था। अच्छा हाँ जी आते हैं बिल्कुल। तो मतलब अगर बात करें इस नोरे की, तो मेरे ख्याल से पूरे गांव में जो दादार ने तावर ने बताया है कि गांव का सबसे पुराना नोरा है, यो सबसे पुराना दरवाजा है, और दरवाजा भी आप देखोगे तो कितना कई फुट का होगा ताऊ यो दरवाजा, वो दरवाजा है न्यून भी है ना, दरवाजा की लंबाई कितनी होगी, दरवाजा भी पूरा बड़ा है ना, यो है ना, दूल्हे नाथी बैठा करते, उसका सिर नहीं झुका उसके ऊपर बैठा बैठा अंदर चला इसलिए अंदर लिया करते। अच्छा दूल्हे का सिर नहीं झुकना चाहिए, दूल्हे का सिर झुक गया तो रह गया के बात है, आन मान शान है। तो वो आपने देखा हाथी इस मंदिर का? देखे जी हाथी बड़ता है, तो ये इतने बड़े बड़े दरवाजे जहाँ तक बनाया करते और अखनी का हाथी भीतर आ जाए, तो भाई इतना बड़ा दरवाजा है हाथी नहीं होगा नहीं भीतर आ जाए, क्योंकि आप देख सको हो कि दरवाजा है यो बीच में है, जो नॉर्मल दरवाजा छोट रखा जो होया खरा है छोटा दरवाजा जो सारी खुलिया रहा है, अरे पहले उसी साकल होया करती कड़ियाली, ये कड़ियाली साकर है, बाकी नीचे तो भी यो खराब होता जान लग रहा है, सारी की सारी लकड़ी का यो है बनाया होया, तो नीचे तो खराब हो गया है, बाकी ऊपर तो देखोगे आप क्योंकि है ना लकड़ी की अगर न्याद की बात करें तो इसकी कोई न्याद नहीं होती, यो साल की लकड़ी का है, साल की लकड़ी का है, तो भी साल की लकड़ी की बताया करता हूँ, और की कोई न्याद नहीं होती है, तो ये भी डैमेज होने लग रहा है, तो यह है पुरानी धरोहर, बनिया क्या बनाया उड़ है, और पटियाला राजा होया करता जो उससे की उस पर बना रखा है, उसकी लेगा नक्शा ले रखा है। तो भाई देख लो आप के कहोगे कि इतना बड़ा दरवाजा आपके गांव में है, होया करती यहाँ बार भी। हाँ अच्छा पूरी की पूरी दीवार आगे भी होया करती छज्जा होया करता, मतलब कसूता काम कर रखा था ताऊ, मतलब देखने वाले देखते रह जाया करते। अब जो बनिए ने वो परिवार है जो उनके उन इसकी वो उसकी 95 से पहले की शायद उनके पास वीडियो भी मिल जाए वो। अच्छा हाँ, 95 से पहले। हाँ वो बनाई हुई मिल्स का अमेरिका हुआ है। अच्छा तो भाई देख लो अगर आपके गांव में भी देख लो इतना बड़ा दरवाजा गांव, मेरे ख्याल से जो सा भी ताऊर बैठे हैं जो से बैठे हुए नुका हमने तो देखा है दादा ताऊर तो सुने ही है हाथी का हाथी इसमें भीतर बढ़ जाया करता नुका नू, और इस पर पीतल की अगर बात करें तो पूछो है ना कितना लाग रहा है, नरा पीतल पीतल लाग रहा है, गांव में मेरे ख्याल में इसे इसे दरवाजे पाते को ना पीतल वाले तो सीधे दरवाजे चढ़ा दे हैं, पहले तो दरवाजा पर पीतल पीतल पाया करते अच्छा होया करता पीतल, तो मतलब यो दरवाजा है गाँव की शान है, बाहर तक तो ठीक ठाक फिर भी तुमने दिखा है भीतर तक अति खंडर हो रहा है, तो ये धरोहर होया करती भी मतलब रुक के पाटया करते उस गांव में इतना बड़ा दरवाजा है, और यो तो पटियाला जो का राजा होया करता तो उसके जो उसका किला होया करता उससे के नक्शे पे बनाया गया था न्यू का न्यू, आज भी है लेकिन खंडर हो गया है क्योंकि पुरानी चीज़ है जो कितने कितने खंडर होती जान लग रही है, तो अपनी धरोहर है संभाल कर रखा करो, जिसके भी गांव में है तो मरम्मत करवाओ, और इस दरवाजे ने लेकर आपकी के राय है जरूर बताइए, और तस्वीरें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो, अगर आपके गाँव में भी या आपने भी कितने देखा है तो कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद।